गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू चैप्टर 3 ऑफ योर ज्योग्राफी, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज. वी कंप्लीट दिस चैप्टर टिल कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर फ्रॉम पावर रिसोर्सेज. पावर रिसोर्सेज में ये बताया गया है कि सनी और उसकी मदर जो है वो अपनी डे टू डे लाइफ के बारे में बता रहे हैं कि सनी को स्कूल जाना है तो उसकी मदर ने सबसे पहले गीज़र ऑन किया, उसके लिए किचन में खाना बनाया, किचन में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ किए. तो इन सब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रिसिटी हमें कौन कौन से सोर्सेज से मिल सकती है. तो इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे पास दो तरह के सोर्सेज हैं, कन्वेंशनल सोर्सेज हैं और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं. कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या हैं हमारे पास, जैसे कोल है, फायरवुड है, जंगल से हम जो लकड़ियाँ काट के उसको जला के इलेक्ट्रिसिटी मतलब हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो ये सब कुछ जो है वो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, मतलब पुराने तरीके हैं. तो सबसे पहले इसमें आता है फायरवुड. फायरवुड में क्या है कि हम इसको कुकिंग और हीटिंग के लिए, एक्चुअली क्या है कि जैसे लाइफस्टाइल में हम और आप लोग रहते हैं तो हम ये यूज़ नहीं करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये यूज़ होता ही नहीं है. मीन्स गांव के एरिया में अभी भी आप देखोगे या फिर जंगल के आसपास जो ट्राइब्स रहती हैं तो उनके लिए फायरवुड जो है वो मेजर सोर्स है, मतलब उनकी कुकिंग और हीटिंग के लिए. चूल्हा जला लिया, जैसे लकड़ी जला के उसके ऊपर वो कुकिंग कर लेंगे, पानी गर्म करना है तो उसी के ऊपर करेंगे. तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि इससे हमारे जो जंगल्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाएगा. मीन्स जंगल्स जो हैं वो बहुत स्पीडीली कट होते जाएंगे, और अगर जंगल्स कट होते हैं मीन्स कहीं ना कहीं प्लांट्स कम होते हैं तो उससे हमारे जो ऑक्सीजन का लेवल है एटमॉस्फेयर में वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होगा, जिससे हम सबको प्रॉब्लम हो सकती है. तो ये हम सबकी ड्यूटी है कि हम कन्वेंशनल सोर्सेज को कम से कम यूज़ करें. नेक्स्ट आता है हमारे पास कोल. तो कोल क्या है, ये भी जो है मोस्ट अबंडेंट फाउंड फॉसिल फ्यूल है. तो लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हम इसको बहुत यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए. तो थर्मल पावर प्लांट्स आपने सुने होंगे, तो उनमें कोल को यूज़ करके हीट निकलती है, जो हीट यूज़ होती है टर्बाइन को घुमाने के लिए, और फिर जनरेटर्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. तो कोल को हम बरीड सनशाइन भी बोलते हैं. तो कोल का जो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं, जो कंट्रीज़ जो हैं, वो कौन कौन सी हैं, चाइना, USA, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस. और इंडिया में कौन कौन से हैं, झारखंड में, झारखंड बहुत बड़ा कोल प्रोड्यूसर है हम इंडिया में. तो इस कौन कौन से सिटीज़ आप बोल सकते हैं, रानीगंज, झरिया, धनबाद, बोकारो, तो ये झारखंड के अंदर बहुत कोल प्रोड्यूसिंग जो हैं वो एरियाज़ हैं. नेक्स्ट आता है पेट्रोलियम. तो पेट्रोलियम में क्या है कि मतलब बहुत डेप्थ पे मिलता है पहली बात तो पेट्रोलियम, और दूसरा इसको डिग करने में ये काफ़ी कॉस्टली प्रोसेस है ये सारा. तो और उसके बाद जब हम इसको रिफ़ाइन करते हैं, फिर मतलब सबसे पहले क्रूड ऑयल मिलेगा हमें, फिर उस क्रूड ऑयल को हम रिफ़ाइन करेंगे, फिर उसमें से बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकल जाते हैं, मतलब पेट्रोल निकल जाएगा, डीजल निकल जाएगा. तो इस तरह से बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उनका अलग अलग तरह से हम यूज़ करते हैं. तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हमारे सारी ऑलमोस्ट बहुत सारी हमारी गाड़ियाँ, स्कूटर्स जो हैं वो पेट्रोल पे चलते हैं या डीजल पे चलते हैं. अब इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है, अब उस पोल्यूशन से कहीं ना कहीं हमारा एटमॉस्फेयर फिर डिस्टर्ब होता है. तो अब इसको हम ब्लैक गोल्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है. तो अब इसके लिए क्या हो सकता है कि हम कोई अदर ऑप्शन देखें. अब ये तो हो गई प्रॉब्लम हमारी कि, तो इसके लिए अदर ऑप्शन क्या हो सकती है कि हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमारे पास सोलर सिस्टम्स हैं. तो इस तरह से हम इनका यूज़ कम कर सकते हैं. तो वर्ल्ड में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा पेट्रोल प्रोड्यूस करती हैं, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कतर, ये मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं. और बाकी USA, रशिया, वेनेजुएला, अल्जीरिया, ये भी हैं, बट ज़्यादा ईरान, इराक हैं. तो उसके बाद नेक्स्ट आता है नेचुरल गैस. जहाँ भी ऑयल डिपॉजिट्स होते हैं, पेट्रोलियम डिपॉजिट्स होते हैं, वहाँ पे उससे पहले नेचुरल गैस निकलती है. आपने कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का सुना होगा, CNG जो है एक एज अ फ्यूल यूज़ होता है. तो इसी नेचुरल गैस को कंप्रेस करके CNG बनाई जाती है, जिससे हमारी गाड़ियाँ जो हैं वो रन होती हैं. तो अब इस ये कंपैरेटिवली ये थोड़ी CNG जो है वो सेफ़ है, मतलब इससे पोल्यूशन कम होता है, बट इसका प्रोडक्शन इतने बड़े लेवल पे हम नहीं कर रहे हैं और ना ही इसका यूजेज जो है वो इतने बड़े लेवल पे हो रहा है. तो इसको डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल फ्यूल की तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं. रशिया, नॉर्वे, UK, नीदरलैंड जो हैं वो इसके मेजर प्रोड्यूसर हैं. और इंडिया में जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा,
और त्रिपुरा जो है वो जब मुंबई का ऑफशोर जो है वो यहाँ पे नेचुरल गैस, मतलब जहाँ भी आपको ऑयल मिलेगा उससे पहले हमें ये नेचुरल गैस जो है वो मिलेगी। एंड नेक्स्ट आता है हमारा हाइडल पार। हाइडल पार आपने डैम्स वर्ड सुना होगा, हाइडल पार प्रोजेक्ट सुना होगा। इन सब का क्या मतलब होता है, हम एक वाटर, जैसे आप अपनी इस डायग्राम में देख रहे हैं हमारे पास एक वाटर रिजर्वायर होगा, तो जैसे ये एक वाटर रिजर्वायर है, इस वाटर रिजर्वायर में हम पानी स्टोर कर लेते हैं, मतलब बारिश का पानी है या फिर नदी का पानी है, ठीक है, वो सारा वाटर जो है वो इसमें रिजर्व हो जाएगा। उसके बाद इस वाटर को हम स्पीडीली छोड़ेंगे, यहाँ पे कुछ गेट्स होते हैं इनके, उस पानी को हम इतनी स्पीड में छोड़ते हैं कि वो पानी जो है वो इन टर्बाइंस को घुमाता है। ये टर्बाइंस जो हैं वो जनरेटर को ऑन कर देती हैं और जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आगे हमारे सारी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सप्लाई हो जाती है, तो उससे इस तरह से हमारा हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है वो काम करता है। तो उसके बाद आते हैं हमारे इंडिया में अगर हम देखें तो हमारे हाइडल पावर प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ पे हैं, तो बोकारो इंडिया में हमारे हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो हैं वो भाखड़ा नंगल डैम आपने सुना होगा पंजाब में है या राजस्थान में है, गांधी सागर, नागार्जुना सागर, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, ये जो है वो मेजर हमारे हाइडल पावर प्रोजेक्ट हैं। नेक्स्ट आते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आती है हमारी सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी में मतलब हमारी जो कंट्री है वो इक्वेटर के या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो सन का इम्पैक्ट रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा सोलर एनर्जी हम कंज्यूम कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यही बात करें जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जो हैं वो कंट्रीज़ हैं, उनके पास इतना सोलर सोर्स जो है वो है नहीं है, तो सन की एनर्जी को हम यूज़ करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट आती है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी एक खुले ग्राउंड में विंड मिल्स लगाई जाती हैं, मतलब बड़े बड़े फैंस होते हैं उनके, जैसे कि आप हाँ, तो जो फैंस हैं वो रोटेट करते हैं, और जब वो रोटेट करते हैं तो वो टर्बाइन को घुमा के अगेन जनरेटर चलाते हैं, और जनरेटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। तो इस तरह से विंड एनर्जी जो है ये रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, मतलब हवा कभी ख़त्म तो नहीं होगी, तो इसलिए हम ये भी एक सेफ एनर्जी सोर्स हम जो है वो बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर पावर एनर्जी। न्यूक्लियर पावर एनर्जी में क्या होता है, हमारे पास कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं जिसमें हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम, इनका अनकंट्रोल्ड फ्यूजन होता है, तो हम इन केमिकल्स को यूज़ करते हैं और हमारी जो है इन केमिकल रिएक्शंस को यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो यूएसए, यूरोप में बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट चले हैं, लेकिन इनका कुछ ड्रॉबैक ये है कि इसमें समटाइम्स अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हो जाता है, तो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन को समटाइम्स हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, कोई टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, जैसे बहुत सारे हम कह सकते हैं कि डिज़ास्टर हुए हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेके, जैसे जापान में हुआ था, जहाँ पे अर्थक्वेक आने के कारण वहाँ के रिएक्टर्स के कूलेंट जो हैं वो ख़राब हो गए, और जिससे बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई वहाँ पे। तो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट बहुत अच्छा इलेक्ट्रिकल सोर्स है, बट प्रॉब्लम इन दिस कि हम इनकी समटाइम्स इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर मतलब अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम इनको संभाल नहीं पाएंगे, हम उन जो ये डिज़ास्टर क्रिएट करेंगे उस डिज़ास्टर को कंट्रोल करना हमें नहीं आता है। नेक्स्ट आती है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी में क्या होगा, आपने सुना होगा हिमाचल प्रदेश में एक मणिकरण नाम की जगह है, तो मणिकरण में क्या है, नेचुरल हॉट वाटर स्प्रिंग है, मतलब धरती के नीचे गर्म पानी है ऑटोमेटिकली। अब उस गर्म पानी को हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब गर्म पानी, देखो कोल को गर्म करके या जला के भी तो हम स्टीम ही बना रहे थे, तो अब ये स्टीम हमें नेचुरली मिल रही है। तो हमने क्या करा, आप जैसे इस डायग्राम में देख रहे हैं, हमने क्या करा, हॉट वाटर से ये स्टीम आ गई इस चैम्बर में, और इस स्टीम से हमने टर्बाइन रोटेट कर दिया यहाँ पे, और इस टर्बाइन से आगे जनरेटर ऑन हो गया, और जनरेटर से आगे इलेक्ट्रिसिटी बन गई। तो नेक्स्ट आता है, तो इस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बन गई। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइडल एनर्जी।
आपने सुना होगा ओशियंस में बहुत बड़ी बड़ी टाइड्स आती हैं, ठीक है। क्या होती हैं टाइड्स? हम कह सकते हैं कि हमारी जो लहर है, पानी की लहर है, वो बहुत ऊंची ऊंची उठ जाती है। क्यों उठती है? ये भी कुछ अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण होता है ये सारा। तो अब टाइडल एनर्जी से क्या होगा कि जो हाई टाइड्स हैं, हम वहाँ पे एक छोटा सा डैम टाइप बना सकते हैं, बहुत नैरो होता है वो, तो वहाँ की एनर्जी यूज़ कर सकते हैं हम टर्बाइंस को रोटेट करने के लिए। तो टर्बाइन घूमेगा, अगेन जनरेटर ऑन होगा और वो हमारी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट इज़ बायोगैस। तो बायोगैस में क्या करते हैं, हमारे पास ये एक टैंक है, तो इस टैंक में क्या होगा कि ये सारा टैंक जो है वो नीचे बरीड है, अर्थ के नीचे सिर्फ ये दो आउटलेट जो हैं ये खुले हैं। तो एक आउटलेट में हम काउ डंग वगैरह जो भी है वो स्लरी डाल देंगे, वो यहाँ पे कुछ दिन तक बंद रहेगा, उसके बाद वहाँ से गैस रिलीज होगी। तो ये गैस हम यहाँ से आउटलेट है ये उसका, इस गैस को हम यूज़ कर सकते हैं। कहाँ पे यूज़ करेंगे? कोई भी हमारी कुकिंग भी हो सकती है इसमें, किसी भी तरह से हम इस गैस को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी ऑर्गेनिक मेथड है ये, ऑर्गेनिक वेस्ट को यूज़ करके बनता है, तो बहुत अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी है। बट इंडिया में फ़िलहाल बहुत बड़े लेवल पे ये यूज़ नहीं होता, बहुत स्मॉल स्केल पे यूज़ होता है। तो हमारी गवर्नमेंट का टारगेट है 2022 तक, मतलब 2020 तक हमें 175 गीगावाट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है। उसमें से मेजर सोर्स जो है वो 100 गीगावाट वो सोलर एनर्जी से होना चाहिए। तो इस तरह से इस टारगेट को अचीव करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी बहुत सारी पॉलिसीज़ बनी हैं उसको लेके, और उसके ऊपर हमेशा काम जो है वो चलता ही रहता है। हाँ जी, होप आपको सब समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।